तो गाइज आज जो है गुरसेवक भाई आए हैं। गुरसेवक भाई से जानना चाहता हूँ, भाई कहाँ से आए हो? हरियाणा अम्बाला कैंट से आया हूँ मैं। हाँ, स्पेशल मतलब आपके देख के ना मैं फैन हूँ आपका, बहुत बढ़िया जो चीज देखी मैंने ना, स्टॉक जो भी है आपके पास ये पड़ा हुआ। हाँ, वो मान लो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस चीज से मेरे को सबसे बड़ी मान लो जो चीज जुड़ी है ना, हाँ, कि मान लो जो चीज आप दे रहे हो, हाँ, वो चीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं खुद अपने वहाँ पे मान लो 100 किलोमीटर तक के एरिया में पिछले महीने कंप्यूटर बिल्ड कराया था। चलो हम इस मैटर पे हम बाद में बात करेंगे। तो गुरसेवक भाई एक बात बताओ, जैसे ये आप पीसी बिल्ड करवाने आए हो, गेमिंग पीसी वाला पे, तो आपका पर्पस क्या, आज का पर्पस क्या है कि जो ये वाला पीसी बिल्ड कराने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा? पर्पस ये है क्योंकि भाई जी मान लो जो चीज, अब देखो ये है ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, 4060 का है जी, फोर्स का, ठीक है। ये पहली बात तो कोई रखता नहीं, ठीक है, क्योंकि मान लो रेयर बंदे पड़वाते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप 10 दुकानें ट्राई मारेंगे तो एक दो दुकानों पे और भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम बताएंगे कि इसमें खास बात क्या है गेमिंग पीसी वाला से लेने की। और दूसरी चीज है, जैसे आप यहाँ पे नैरो प्लेस पहुँचे, तो आप कब आए थे फिलहाल? तो कितने बजे पहुँच गए थे? मैं तो कल का आया हुआ हूँ। कल आए हो? होटल में स्टे कर रखा था मैंने। हैं तो भैया तो अम्बाला से आए हैं गुरसेवक भाई। और सेकंड, आज जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अनबॉक्सिंग की, मतलब कि जो भैया का पीसी रेडी कराना है और उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हम लोग। तो भैया ये जो जैसे ये सेटअप रेडी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं और क्या करने वाले हो इसमें? भैया जैसे मान लो NFT या डिज़ाइनिंग होगी मेरी, ठीक है, और अपना फोटोशॉप हो गया, एडोब रीडर हो गया, ये सारी जो एडोब प्रो हो गया। आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि आपको ट्रेडिंग भी करनी है। ट्रेडिंग भी करनी है और साथ में गेमिंग भी करनी है। अच्छा, तो मतलब कि दो मॉनिटर लगाने या तीन मॉनिटर लगाने? हाँ, प्लग इन मतलब चार डिस्प्ले चले, प्लग इन हो जाए। ठीक है, तो आज जो है हमारे साथ हमारे धीरज जुड़े हुए हैं, जो आज के इंजीनियर हैं हमारे, जो इस सेटअप को बिल्ड करेंगे। और गुरसेवक भाई हो गए और आप मुझे तो जानते ही हो, ये जो बिल्ड होना है, ये वाला जो बिल्ड होगा, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे भाई के सामने। और उससे पहले हम आपको इस बिल्ड में ये दिखाने वाले हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है और क्या क्या भैया ने लिया है इस पीसी को बिल्ड कराने में, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और साथ में क्या प्राइस क्वालिटी प्राइस दिखाएंगे एंड में, प्राइस भी दिखाएंगे कि कितने का है और कितने का ये बिल्ड हुआ है। हाँ, साथ में क्या क्या सामान लिया है, पूरा भैया को संतुष्ट कराया है। तो सबसे पहले नंबर पे कैबिनेट दिखाते हैं कि कैबिनेट कौन सी है। तो कैबिनेट है अपनी रॉकेट, और जो काफ़ी पॉपुलर है गेमिंग पीसी वाला पर, तो आज रॉकेट के साथ में ये पीसी बिल्ड होने जा रहा है। तो फिलहाल एक बार अनबॉक्सिंग करेंगे, उससे पहले हम बताते हैं कि इसमें सामान क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर रॉकेट होगा, और एंड सेकेंड नंबर पे हम इसमें प्रोसेसर दिखाएंगे। रॉकेट हमने पहले, हम ये भी दिखा सकते हैं रॉकेट, इसलिए क्योंकि भैया इसके अंदर बिल्ड होना है। हाँ, और जब ये बिल्ड हो जाएगा तो इसकी क्वालिटी देखना कि किस तरह की है, ठीक है। तो ये भैया ने जो प्रोसेसर लिया है वो लिया है i5 का 13400F, और ये देख सकते हैं यहाँ पे सील्ड पैक होगा, यहाँ पे इस तरह से पैकिंग होती है। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है दिसंबर 2023, ठीक है भाई। ये जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के ही प्रोडक्ट परचेज करें, जरूरी नहीं है कि गेमिंग पीसी वाला से आपने प्रोडक्ट परचेज करना, कहीं से भी कर सकते हैं। बट इसको जो है हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक करके लें, क्योंकि ये कंपनियां जरूरी है यार। हाँ, कंपनियां डिसाइड कर देती हैं कि इसकी वारंटी ना इस डेट तक है। जैसे अगर गूगल पे भी अगर आप जाओगे ना, इंटेल वारंटी चेक लिखोगे और वहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन करोगे, बैच नंबर और सीरियल नंबर दो चीजें मांगता है, वो डालने के बाद देखोगे ना तो वारंटी ये पता चलती है कि कब तक की वारंटी है। तो ये जरूरी है, आपका बिल सपोर्टिंग के लिए होता है, वारंटी के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो GST वाला बिल देते हैं हम, सीरियल नंबर मेंशन करके देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें जो है प्रॉपर्ली चेक कराते हैं। तो ये जो है प्रोसेसर है, दो चीजें हो गई, कैबिनेट हो गया, कैबिनेट में फैन की वारंटी होती है, बाकी कैबिनेट में कुछ होता नहीं है। कैबिनेट की जो वारंटी, कैबिनेट के जो फैन की वारंटी होती है वो 1 साल कंपनी देती है, जो प्रोसेसर की वारंटी है वो है 3 साल, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन का भैया का प्रोसेसर हो गया। सेकेंड नंबर पे इसमें जो है मदरबोर्ड है गीगावाइट का, B760 है, गेमिंग AC है। ये जो मदरबोर्ड है DDR5 का मदरबोर्ड है, और 2 RAM स्लॉट के साथ में है।
एंड एक और चीज, वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की कनेक्टिविटी के साथ है, ठीक है। तो ये बिल्ड है, इसके अंदर ब्लूटूथ एंड वाईफाई दो एंटीना लगे हुए हैं, वो बाद में दिखाएंगे इसमें जब अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी अभी फिलहाल दिखा रहे हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और सील्ड पैक प्रोडक्ट। तो इस तरह के आप भी जब भी आप गेमिंग पीसी वाला पे विजिट करते हैं, आपको सिस्टम रेडी कराना, तो ये चीजें चेक करके ले सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप गेमिंग पीसी वाला तक नेहरू प्लेस नहीं आ रहे हैं या आप अपने लोकल में कहीं किसी भी शॉपकीपर से ले रहे हैं, तो ये चीज जरूर चेक करके लें, नहीं तो हो जाएगा आपके साथ फ्रॉड, ठीक है। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए ही ये वाले वीडियो कहीं ना कहीं आधारित रहेगी कि भैया ये फ्रॉड से कैसे बचना है आपने। प्राइस कम मिल रहे हैं तो भैया फ्रॉड ही होगा, सिंपल सी बात है, वो अपने घर से कुछ नहीं देने वाला है। तो इस तरह से वन टेप लगी हुई है गीगा वाइट की, और ये भी जो है सील्ड पैक है, भैया को प्रॉपरली चेक भी कराया कि ये सील्ड पैक है, ये देखो, ठीक है, ये ना गीगा वाइट की सील लगी हुई है, हाँ पैक है पूरा, और ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट का वारंटी का स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मंथ ऑफ अगस्त 2023 का प्रोडक्ट है, मतलब कि जो है इसके प्रोडक्ट के 6 से 7 महीने जा चुके हैं, ठीक है। तो 6-7 महीने लेटेस्ट उसका प्रोडक्ट, ठीक है, 2020 2021 या 2022 के प्रोडक्ट ना लें, ये 2023 का अगस्त का प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अब इतना टाइम तो भाई गेमिंग पीसी वाला पे रखा है तो सामान एक या दो पीस आते नहीं, 100 या 200 पीसेस आते हैं, तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये अगस्त 2023 का है और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको चेक करा दी है। ये हमारा मदरबोर्ड हो गया, इसकी वारंटी 3 साल आती है, प्रोसेसर हो गया। इसके बाद में इसमें जो WD की SSD है वो लगाई है मैंने, WD ब्लू जनरेशन 4 की SSD, SN580 इसका मॉडल होता है, और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 4150 Mbps पर सेकेंड होती है। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की भी बात करेंगे तो भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे आपको दिसंबर 2023 दिख जाएगी। और ये जो है कंपनी की सिंगल टेप लगी हुई है, तो यहाँ पे ये भी सील्ड पैक है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें जो रैम लगा रहे हैं वो T4s की यूज़ कर रहे हैं, और ये रैम जो है इसमें 16 GB की रैम है, 5200 MHz की रैम है, विद हीटिंग होती है, सिंगल रैम लगा रहे हैं 16 GB की। और जब भी भैया आपको अपग्रेड कराना है तो आप इसमें 16 GB की या 32 GB की रैम एक और लगा सकते हैं, ठीक है, 32 GB की दो लगा सकते हैं। तो इसमें DDR5 की रैम लगा रहे हैं। वारंटी की बात करेंगे तो 10 साल कंपनी वारंटी देती है, और इस पर भी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डेट एक बार जरूर चेक कराएं। इसमें अक्टूबर 2023 की है, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, अक्टूबर 2023 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है भाई। इसमें वैसे दिक्कत होती नहीं है, 10 साल कंपनी वारंटी देती है या लाइफ टाइम भी बोल के देती है। तो ये हिटजिंग के साथ है, इसकी इनकी सबके अनबॉक्सिंग जब करेंगे तो एक बार देखना कि किस तरह की इसमें रैम निकलती है। और भाई इसमें जो ग्राफिक कार्ड लगाया है वो लगाया है मैंने गीगाबाइट का 4060, सबसे ज्यादा डिमांडेबल है और सबसे ज्यादा जो है बढ़िया चीज है, जो 60% जो कस्टमर आते हैं वो 3060 या 4060 ही मांगते हैं। एक पीसी बिल्ड जो ये हो रहा है ये आपके बजट के हिसाब से है या नहीं है वो देख लेना। हाँ जी। तो ये वाला जो है 4060 है और 8 GB का ग्राफिक कार्ड होता है, ये जो है ईगल OC गीगाबाइट की कंपनी का है। और ये जो इसमें स्पेशल जो चीज है वो है आपका 3 फैन का आपका ग्राफिक कार्ड है। इसमें मोस्टली 2 फैन के भी आते हैं, 3 फैन के भी आते हैं, गीगाबाइट में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। ये जो है ईगल OC है और ईगल OC की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, आराम से मिलता नहीं है, कभी कभी स्टॉक में नहीं होता, कोई इशू होता है। ये सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है दिसंबर 2023 की है, इसे भी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे सिंगल टेप लगी हुई है, इधर दोनों तरफ से इसमें होता है, दोनों तरफ से सील्ड है, सिंगल टेप है गीगाबाइट का, ठीक है। तो ये ग्राफिक कार्ड हो गया जो BA ने लिया है हमारे गुरसेवक भाई ने। एंटी स्पोर्ट्स का लिक्विड कूलर इसमें यूज कर रहे हैं, और जो है आइस फ्लो 240, मतलब 120 mm के 2 फैन लगे हैं इसमें ARGB फैन के साथ में। एक और खास चीज इसमें ये है कि जो CPU जो इसमें लगा होता है, इसका CPU का टेम्परेचर ये लिक्विड कूलर में शो करेगा डिस्प्ले पे, ठीक है। तो एक बार जब ये रेडी होगा तो हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। पावर सप्लाई जो यूज की है वो थोड़ी सी मैंने भारी भरकम सी करवाई है, वैसे तो हम बहुत सारी करवा सकते थे, बट मैंने कहा भाई इसमें जो है एनटेक की लगाएंगे, और एनटेक की जो ये पावर सप्लाई है 750 वॉट की है। बात करेंगे 80+ ब्राउन्स है, नॉर्मल नहीं है, 80+ ब्राउन्स है, 750 वॉट की एनटेक कंपनी की आती है। और ये जो पावर सप्लाई की वारंटी आती है 3+2, मतलब 3 साल की वारंटी होती है, रजिस्टर्ड करने पे 2 साल एक्स्ट्रा हो जाती है, तो 5 साल की वारंटी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसमें आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, मई 2023 की जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है,
तो ये सिस्टम जो है बिल्ड करेंगे अभी, और साथ में भैया ने जो मॉनिटर लिया है ये रहेगा आपका सैमसंग का, और सैमसंग का ये है 27 इंच का मॉनिटर, और ये रहेगा कर्व। तो फिलहाल गुरसेवक भाई से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, भाई अब ये क्या रेडी कराएं? हाँ जी जरूर करें। तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और एक बार आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखाते हैं। तो भाई धीरज शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, ये इसमें भाई मदरबोर्ड निकला है जो देख सकते हैं भाई, ये 2 RAM स्लॉट लगे हुए हैं जी। ये वाईफाई के लिए है, वाईफाई का एंटीना लगाने के लिए। तो इसमें धीरज देखना वाईफाई एंटीना निकले होंगे जी। तो ये रहा एंटीना, ठीक है? अगर आपको अलग से हार्ड ड्राइव यूज करनी है तो ये वाली जो है केबल यूज कर सकते हैं, अभी कोई इनका यूज नहीं होगा। और इसमें जो है 1 NVMe का स्लॉट है, दो है, मतलब कि एक अभी लग जाएगा, एक ब्लैंक रहेगा। जब भी अगर आपको कभी SSD लगानी है तो कोशिश करना NVMe पहले लगा लेना, ठीक है? 4 SATA हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, मतलब 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है? ये CPU अनबॉक्स कर लेते हैं भाई आपका। ये प्रोसेसर हो गया भाई, इसमें एक फैन निकलता है, आपका CPU हो गया। तो भाई एक बार ये देख सकते हैं भाई, ये जो है आपका प्रोसेसर है, व्हाइट गोल्ड के नाम से भी हम बोलते हैं इसको वैसे, तो भाई जबरदस्त है। तो भाई इसे लगा दो मदरबोर्ड पे, ये हो गया, ये हो गया इंस्टॉल। ये लो भाई धीरज ने कर दिया इसे इंस्टॉल। अब इसके बाद क्या है, SSD और RAM लगा लेते हैं। सील खोल ली अभी, आप सील ओपन हुई है, ये निकलाई, इसमें SSD दिखाना। ये भाई SSD निकली है इसके अंदर से, ये देखो। तो ये SSD है, WD ब्लू है, SN580। और ये इसका पीछे का, चलो भाई इसे इंस्टॉल कर दो। ये हो गया, खास बात है कि इसमें स्क्रू नहीं, आराम से स्क्रू कसने की जरूरत नहीं, स्क्रू कसने की भी जरूरत। तो ये रैम, यार इसमें रैम का कॉम्बिनेशन भी मालूम क्या रेड के साथ होने वाला है, रेड के साथ रेड नहीं, ब्लैक है, ब्लैक है भाई, तो ब्लैक के साथ ब्लैक हो जाएगा, रेड हो गया ना। चलो भाई, तो ये जो है, एक मिनट दिखाना, ये जो है हीटसिंक लगी हुई है, ये कैप लगा हुआ है, ये मोस्टली गेमिंग में यूज करते हैं हम लोग। ये जितने भी बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं उनमें सब में ही लगती है, लगती है, और सारे यूट्यूबर यूज करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हीट वीट ना हो। भाई मदरबोर्ड तो हो गया रेडी, तो इसको कैबिनेट के अंदर रेडी करते हैं। कैबिनेट दिखाना थोड़ा सा, कैबिनेट ये भाई कैबिनेट देखो, कैबिनेट तो अच्छा है। धीरज कितने टाइम का एक्सपीरियंस है तुम्हें? वैसे टोटल आईटी में तो मुझे 14 साल हो गए। मतलब यार तुम पैदा हुए थे तभी से तुमने शुरू कर दिया था क्या काम? तुम्हारी एज कितनी है? मेरे को तो लग रहा है कि भाई ने मतलब 36 स्टार्टिंग इसी काम से करी है। अच्छा 15 मिनट में असेंबल करके कंप्यूटर पास से मारा बंदे, किसी के बस की बात नहीं है, 2-2 घंटे लगे रहते हैं बंदे, और ये सिर्फ गेमिंग पीसी के यहाँ पे हो रहे हैं। भाई यहाँ पे जो स्टाफ भी है ना स्पेशल चूज कर करके रखा है। तो आपका लिक्विड कूलर ओपन करो देखते हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे लोग। अगर मजा आ रहा हो ना वीडियो में तो भाई कमेंट, अगर कुछ भी तुम्हें अगर कुछ लग रहा हो ना कि ये ठीक नहीं है तो प्लीज इसमें कमेंट करके बताना कि ठीक क्या नहीं है, क्या नहीं है। और अगर कुछ अच्छा लग रहा तो उसके ऊपर भी बताना, जो चीज अच्छी कमेंट जरूर करना भाई इस पे, क्योंकि कमेंट की बहुत नीड है आपके। आपके कमेंट आएंगे ना तो भाई थोड़ा सा ना अंदर से मनोबल बढ़ता है और भाई को सपोर्ट मिलता है हमारे। हाँ। भाई को, अब मैं आया हूँ इतनी दूर से सिर्फ भाई के, मुझे पता है कि इतनी दूर से आने से ये चीज यहाँ पे मिल जाएगी और ये सारा कुछ मेरे को बहुत इजीली। आप अम्बाला से आयो भाई, मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं किसी तरह की, आपको फीलिंग आएगी कि भाई सही पहुंच गया है। मैं कह रहा हूं वही, आए किससे हो आप वैसे? बस से आए हो आप? नहीं मैं आया था, गाड़ी लेके आया था। हाँ। होटल में स्टे कर रखा था। तो गाड़ी कहाँ है? वहीं खड़ी होटल में। होटल में ही खड़ी है? तो होटल अभी चेकआउट नहीं किया है ना? लेके जाऊंगा ना। अच्छा, तो चेकआउट कर ही देते वहाँ से। एक बार इन्होंने, यार पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि इस लिक्विड कूलर में ना इन्होंने पूरा इंस्टॉल करके दिया रेडी करके। वैसे मोस्टली क्या है कि फैन वैन ना सब अलग अलग आते हैं, मतलब जितने भी हैं चाहे कितना भी महंगा है, मतलब महंगा लिक्विड कूलर हो उसमें भी जो है रेडिएटर में कभी फैन नहीं लगा के देते ना। अब इसमें ये पूरा उसे पूरा असेंबल करना पड़ता है, और इसमें जो है इन्होंने क्या करा है कि पूरा असेंबल कर दिया, मतलब कि आपका काम बचा दिया भाई। ये भी लगाना पड़ता है अलग से यार। डिस्प्ले पोर्ट ये देखना, डिस्प्ले भाई जबरदस्त है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। धीरे इस कैबिनेट में असेंबल करने में तो मदरबोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी? आराम से हो जाता है ना? हाँ, मतलब जैसे वो होते हैं स्क्वायर के। हाँ। वो है कि इजीली होता है, और ये थोड़ा ऐसे है, इसका कोई डिफरेंस तो नहीं है ना? नहीं, असेंबल हम कैसे आराम से हो जाता है ना।
हमारे से सिस्टम बनवा के ले जाते हैं, बहुत सारे शॉपकीपर ये बोल देते हैं ना कि गेमिंग पीसी वाले से ना इतना सस्ता अगर मिल रहा है तो वो नकली दे रहा है। हाँ। तो हम मालूम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई अगर हमारा यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो और अगर वो नकली निकलता है, कंपनी ये कह देती है ना कि नकली प्रोडक्ट यहाँ फेंको और उसके डबल पैसे लेके, डबल पैसे लेके, ठीक है, जो मैंने बोला है वो नहीं है तो आप डबल पैसे लेके जाओ, सही बात है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे अभी हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, अभी सस्ते सस्ते में भी कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो OEM प्रोसेसर जब यूज करते हैं ना तो हम बताते हैं कस्टमर को कि भाई ये वाला OEM प्रोडक्ट है, मतलब कि जैसे i3 सेकंड जनरेशन, i5 थर्ड जनरेशन या i7 थर्ड जनरेशन, ये OEM आते हैं तो मैं बताता हूँ कि भाई ये OEM होते हैं, इसके कंपनी से वारंटी नहीं है, इसकी वारंटी हमारे, लेकिन क्या है कि वो बहुत सारे लोगों को सस्ते सस्ते पीसी चाहिए तो हम बता के देते हैं, लेकिन जहाँ 100% जेन्युइन देते हैं तो जेन्युइन बताते हैं, जो होता है वही, मतलब ट्रांसपेरेंसी फुल रखते हैं, तो है बिल्कुल फुल्ली मॉड्यूलर में सारी केबल, हाँ फुल्ली मॉड्यूलर में ये भी लगानी होती है मगर ये सेमी मॉड्यूलर है। और भाई सप्लाई देख सकते हो किस तरह की है, ठीक है, ये पीछे से इस तरह का यहाँ फैन लगा हुआ है, बड़ा सा 120mm का फैन लगा होगा। इस स्विच का क्या काम है, यहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते हैं तो इससे विंडोज करप्ट नहीं होगी? नहीं नहीं, डायरेक्ट मतलब कि पावर ना रहे इस सिस्टम के अंदर, हाँ इसलिए तो बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर। तो ये है भाई CSK के नाम से आती है ये वाली पावर सप्लाई, एनटेक की है। मैडम आपने ग्राफिक कार्ड खोल दिया? ओ भाई क्या बात है, ये लो जी, ये देखो, देखो भाई साहब क्या चीज है, तीन फैन का है ये, करो इसको और बिल्ड क्वालिटी देखो आप, मजा आ जाएगा, ये मेटल बिल्ड क्वालिटी है, मेटल है, प्लास्टिक नहीं है बिल्कुल भी। इसके फैन देखो यार, फैन देखो, ये देखो भाई, हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्वालिटी देखो, मेटल की क्वालिटी है, प्लास्टिक नहीं। बताएं क्या, एक और चीज दिखाएं, जैसे आप वो कह रहे थे ना कि आपको ट्रेडिंग करना है, चार, ये देखो चार टर्मिनल है ना, चार। इसमें क्या है कि दो HDMI है और दो DP है, दो HDMI और दो DP है, थोड़ा सा जूम करो, ये HDMI है और ये दो DP है, मैं आराम से इजीली चार यूज कर सकता हूँ तो सिर्फ इसके थ्रू। ये हो गया भाई, मुझे लग रहा है आप रेडी है, बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है बस, और उसके बाद सॉफ्टवेयर, टाइम कुछ नहीं, सिर्फ 15 मिनट में रेडी हो गया। कॉम्बिनेशन तो भाई जबरदस्त लग रहा है, कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छी है, एक उधर रेड मैचिंग होगी और ये येलो, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी हुई है, मैंने तभी तो आपको बोला कि आप रिकमेंड करो, मैं तो आपके पास आया हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, बट जो मेरे को चीज अच्छी लगी ना वो ये चीज अच्छी लगी कि मतलब एक तो मेरा यहाँ पे टाइम बच रहा है और मेरे को इधर उधर घूमना नहीं पड़ रहा, ठीक है, सामान नहीं मांगना पड़ रहा, नहीं मांगना पड़ रहा, नहीं एक महीने से परेशान होता घूम रहा हूँ मैं। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे हैं जो एक एक महीने दो दो महीने से वीडियो सामान मंगाने की कोशिश करते हैं। रेडी हो गया, रेडी हो गया भाई, रेडी हो गया भाई, रेडी हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, आप तो ऑलमोस्ट हो गया, मतलब अभी बस जस्ट 15-20 मिनट हो गए इस सिस्टम को बिल्ड होने में, 20 मिनट लगे टोटल, ठीक है, तो बिल्ड हो चुका है, 20 मिनट भी नहीं, 18 मिनट लगे हैं, हाँ जैसे रेडी हो गया ना 15 मिनट में, है ना, तो मेरे को ये कि टाइम भी बच गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अब मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, आपके जैसे और भी फॉलोअर्स हैं, किसका बजट नहीं होता ज्यादा वो करने का, सारे बजट में देखना पड़ता है यार, हाँ तो आप एक बारी, मैं मतलब अपने उससे बोलता हूँ कि जैसे मैं आया हूँ तो एक बारी विजिट करके देखो, आप एक बारी मार्केट में पता कराओ और यहाँ आके पता करो, जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी आपको यहाँ मिलेगी और प्राइस और सील्ड पैक और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपके सामने है कि मैंने अभी बिल्ट कराया है, सारा मेरे सामने ओपन हुआ है और डेट पिछले साल की है, दो दो महीने तीन तीन महीने का स्टॉक है, पहली बार भाई, ये देखो पॉसिबल है ब्रदर, ओ भाई एक मिनट, क्या है ये, इम्पॉसिबल है, क्या बना दिया ये, क्या बना दिया भाई है? क्या बन गया, क्या बना दिया, जहाज बना दिया आपने तो भाई, ऐसे जहाज बन सकते हैं आराम से, ये ऐसे जहाज, ये तो आराम से ऐसे वाले जहाज बन जाएंगे, और ये देखो अभी तो इसमें देखो यहाँ पे CPU का टेम्परेचर भी आने लग गया, हाँ। भाई अभी तो इसमें जीरो क्यों आ रहा है, सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर डलेगा तब इसमें टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटी स्पोर्ट्स और यहाँ पे CPU लिखा है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा जैसे इसको रेडी कर देंगे ना, रेडी करने के बाद में इसमें एक सॉफ्टवेयर डालना होगा, वो डाल के फिर हम इस वाली वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो भाई एक बार फैन की क्वालिटी, मतलब इसकी जो एंटी स्पोर्ट्स का जो फैन है वो देखो यार, लिक्विड कूलर के भाई, मुझे तो बहुत अल्टीमेट लग रहे हैं, शानदार लग रहा है, रेडिएंट कलर्स हैं, हाँ और बहुत प्यारे कलर हैं,
और ऊपर से भी। मुर्शिद भाई एक बात हो यार, कैसा लगा आपको? अभी तो पहली बार ऑन हुआ है जी, मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। तो सिर्फ ऑन हुआ है ठीक है, और ये ऐसा लग रहा है कि मजा आ गया ना, कहीं नहीं हो सकता ये चीज बिल्ड मजेदार है भाई, नहीं हो सकती कहीं। तो बनाने वाले गाइस ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। तो गाइस ये बनाते हैं सिस्टम, तो आपको पता ही होगा। और हमारे पप्पन बिल्लो भाई हैं तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते रहना। तो गाइस आप जब भी आओ वीडियो सिस्टम लेने तो आप देख सकते हैं, इन भाई से जरूर मिलना। ये भाई की हंसी बहुत प्यारी है, एक बार हंस के दिखाना, एक बार हंस के दिखाना भाई इनको, और गुस्सा होके दिखाना। तो गाइस इनसे जरूर आके मिलना, हाँ आपको बहुत मजा आएगा हमारी दुकान पे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं, जरूर मिलना। सिस्टम तो हो गया रेडी भैया का, तो भैया इस सिस्टम को दिखाने के लिए ना सबसे पहले आप मॉनिटर भी ओपन करना पड़ेगा, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हाँ जी हाँ, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। और ये जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट आपका जुलाई 2023 दिखा रहा है, ये सॉरी इम्पोर्ट डेट जो है अगस्त 2023 की है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है जुलाई 2023 है, मतलब इम्पोर्ट हुआ अगस्त 2023 में, ठीक है। और इसकी वारंटी जो है 3 साल वारंटी आती है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसे ओपन करो भाई, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखो सील लगी हुई है, सील लगी हुई है, ये वन टेप ही है, सिंगल टेप लगी हुई है इस पे। और ये जो है इसकी अनबॉक्सिंग, हेलो भाई मुझे तो जो है ज्यादा आइडिया है नहीं भाई, मान लो यूज कर ली किसी कस्टमर को पसंद नहीं, दूसरी लगा दी और टेप लगा दी, पर वो पता लग जाता है। ये भाई कर्व मॉनिटर है 27 इंच का, ये है 27 इंच का मॉनिटर। भाई कैसा लगा तुम्हें? मजा आ गया, ये देखो भाई, ये देखो ये 27 इंच का मॉनिटर है और ये कर्व में अल्टीमेट है, ठीक है, सैमसंग कंपनी का है। और ये 32 इंची है ना जो है? नहीं ये 27 इंच है भाई, मैं कह रहा जो 32 इंची है ना, हाँ वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वर्क एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप अगर बैठे हैं तो 27 इंच बेस्ट है, ठीक है। तो ये भाई हो गया, बाकी का इसका स्टैंड भी स्टैंड इसी में लगा है, सेट करते हैं इसको। इसमें एक तो एडाप्टर निकला है, कुछ केबल वगैरह है, जिसमें एक जो है पावर की है, पावर केबल है, और एक HDMI केबल है। और बाकी जो स्टैंड है वो है मेटल का, स्टैंड मेटल का है, क्वालिटी एकदम क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कंपनी है तो नाम नहीं। ये जो है प्लास्टिक की तरह दिख रहा है, नहीं यार प्लास्टिक, हाफ प्लास्टिक है हाफ मेटल है, ये मेटल है सर कुछ, हाँ इसमें कुछ है, ये जो है मेटल है, यहाँ पे ये जो है पूरा बेस बनाया मेटल से, ऊपर से इन्होंने डिजाइन के लिए प्लास्टिक लगा दी है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ बीच में इसको बीच में लगाने के लिए। तो गाइस सिस्टम हो चुका है भैया का रेडी, और भैया से बात करते हैं। तो गुरसेवक भाई कैसा लगा सिस्टम भाई? ये जो है 27 इंच का कर्व मॉनिटर हो गया सैमसंग का, ठीक है, वारंटी इसकी 3 साल है ऑन साइड, ठीक है, फुल HD सिस्टम रेडी हो गया। सिस्टम को एक बार दिखा देते हैं भाई किस तरह से सिस्टम रेडी कराया, ये देखो भाई ये सेटअप है। और सेटअप भाई इसकी लाइट चेंज करना, एक बार कैसे होगी लाइट भाई? ये पूरा सिंक हो गया मदरबोर्ड के साथ में, ये मदरबोर्ड के साथ सिंक हुआ है, ठीक है, बहुत सॉफ्टवेयर से होगा। तो गुरसेवक भाई आपसे ये जानना चाह रहे हैं भाई, ये सेटअप बनाने में क्या इशू आया आपको? सेटअप भाई कुछ भी नहीं आया, इशू कोई भी नहीं आया ना आपको? इशू आया तो भाई जो चीज मिलेगी वो मिलेगी, साथ के साथ मिलेगी, 15 मिनट लगे चीज तैयार होगी। और आप चीज देखो इतनी जबरदस्त तैयार हुई है, ये स्क्रीन इतनी फुल HD में है, आपका ये देखो कितना। अभी एक बात बता दे रहे हैं भाई, ये जो सेटअप रेडी हुआ है ना वो 1.25 लाख रुपए के समथिंग में हुआ है, ठीक है, 1.25 लाख रुपए GST बिल के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये सेटअप तो रेडी हुआ है, भैया कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो और ब्लॉगर हैं, तो अपनी तरफ से कुछ मैंने गिफ्ट में ये माउस दिया है, ये RGB है, एंटी स्पोर्ट्स का है, यहाँ पे पूरा इसमें RGB लाइट चेंज कर सकते हैं, इसमें पूरी RGB के साथ है लाइट,
रोशनी इतनी ज्यादा है, नजर ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है, ये जो है आरजीबी के साथ में हो गया, और दूसरा जो है इसमें कीबोर्ड दिया भाई को आरजीबी वाला, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स का है, एंड एक माउस पैड दिया भाई को ये वाला डबल कॉम्बो, ठीक है, इसमें कीबोर्ड माउस दोनों आ जाएंगे, और एक हेडफोन दिया है ये वाला भाई, लगा के दिखाना यार कैसा लग रहा है, मजा आएगा भाई। अल्टीमेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिंग्स का है, ठीक है, और एक ये भी है यार, ये क्या है, ये भी लिया है ना तुमने, ये तो ये माइक है, ये माइक है भाई, ये जो ये है मेरी लाइव गेमिंग, ये जो है भाई, ये मेरे को भैया ने गिफ्ट में दिए है आइटम्स, ठीक है, तो एक ये भी है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डर है, ठीक है, तो ये सारा सेटअप रेडी हुआ 1,25,000 रुपए में, और भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना हैप्पी है। फुल सेटिस्फाइड हूँ। अंबाला वालों से कुछ कहना चाहोगे, अंबाला हो गया या हमारे जो भी एनसीआर से जितने भी लोग आते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई कि आप अपने बजट के हिसाब से, जो भी आपका बजट है, अगर कुछ करवाना है अपने, तो एक बार अंबाला कितना किलोमीटर होगा यहाँ से, 250-250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है अंबाला, वो माय गॉड 400 किलोमीटर दूर है, तो फिलहाल वहाँ से घंटे आने का, अकेले चले आए, मतलब हाँ घर वालों ने कुछ बोल के भेजा आपको, क्या बोला? मेरे घर वालों ने, मैंने आपकी वीडियो दिखाई, ठीक है, मैंने वहाँ रेट पता किया, तो उन्होंने मेरे को ना ऑर्डर था उन पे, ना ये सारा कुछ था, मैंने कहा आपकी वीडियो दिखाई, मैं आपको ना बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, आपका फैन हूँ, बहुत अच्छा, आप बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है, तो घर वालों ने मुझे बोला अगर तुमने ये गेमिंग पीसी वाले से पीसी लेके ना आया ना, किसी और से लेके आया, किसी और दुकान से, तो फिर पीसी साथ के साथ वापस मोड़ देंगे, हम घर के अंदर नहीं आने देंगे। तो घर वालों के लिए थैंक यू सो मच, इन्हें इतना वो कर दिया कि गेमिंग पीसी वाला पे ही आना पड़ा, तो मतलब मेरे घर वालों का ट्रस्ट है यार इतना, कि मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप वहाँ से रेडी करा के लाओ, और कहीं से नहीं आपने रेडी। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया आपको सिस्टम, और फिलहाल जो है ये सिस्टम जा रहा है, आप लोगों को ऐसे ही किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो चैनल सब्सक्राइब करो, आपको नंबर स्क्रीन पे चलता हुआ मिल जाएगा, कांटेक्ट करना कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है आराम से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो करते हैं एंड, ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।